नमस्ते दोस्तों टाटा मोटर्स मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस बी एस सिक्स ट्रेनिंग मॉड्यूल में इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कैसे डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी डीपीएफ में जमा पार्टिकुलेट मैटर को हटाया जाता है डीपीएफ को पूर्ववत करने की पद्धति को रीजनरेशन कहते हैं डीपीएफ से पार्टिकुलेट मैटर हटाने के लिए रीजनरेशन के तीन प्रकार होते हैं पैसिव एक्टिव और मैनुअल इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि मैनुअल रीजनरेशन पद्धति से पार्टिकुलेट मैटर को कैसे हटाया जाता है डीपीएफ में जब एक हद से ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर जमा हो जाता है तब डीपीएफ में मौजूद डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर इसका अनुमान ईसीयू पर देता है तब डैशबोर्ड पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डीपीएफ लैम्प जल उठता है। DPF के जलने पर ड्राइवर को पहले गाड़ी को सही और सुरक्षित जगह पर खड़ा करना होता है फिर डैशबोर्ड पर मौजूद मैनुअल रीजनरेशन स्विच को दबाया जाता है स्विच दबाने से ईसीयू इंजन सिलेंडर में थोड़ी अधिक मात्रा में डीजल का छिड़काव करता है इंजन से निकलते गर्म धुएं से डीपीएफ में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर जल जाते हैं डीपीएफ के पूर्वावत होते ही डीपीएफ लैंप बंद हो जाता है और मैनुअल रीजनरेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है तो दोस्तों हमने देखा कि पैसिव और एक्टिव रिजनरेशन स्वचलित रिजनरेशन पद्धति के हैं जबकि मैनुअल रीजनरेशन में ड्राइवर को डैशबोर्ड पे मौजूद मैनुअल रीजनरेशन स्विच को दबाना होता है जिससे डीपीएफ में पार्टिकुलेट मैटर को जलाया जाता है इन सभी मॉड्यूल्स को देखने के लिए शुक्रिया